नो, यहाँ पर हमको सिंपलीफिकेशन दिया गया है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर वाले के वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो 3 × 6 = 7/2, यहाँ से हो जाएगा 7/2, प्लस से पहुँचते हैं 15 × 16/3 हो जाएगा, भागा है 3 × 1 = 4/3 हो जाएगा, गुना है 5 × 20 = 21/4, उसके बाद माइनस 10 × 11/2। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 7/2 प्लस 16/3 हम 3 करेंगे, भागा है तो 3 ऊपर चलेगा 4 नीचे आएगा, 21/4 होगा, माइनस 11/2। ये 4 से 4 बार में कट जाएगा, 3 से 3 खत्म, ये 4 से 4 खत्म। अब यहाँ पर आप देखिए 7/2 प्लस ये कितना है 21 है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 21 लिख देंगे, माइनस 11/2 है। अब यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 जब एलसीएम होगा तो 7 + 21 × 2 कितना होगा 42 − 11/2, और यहाँ से 7 × 2 = 9, यानी कि 49 में से हम 11 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 8, यानी कि 38/2, तो ये हो जाएगा 19। तो ऊपर वाले की वैल्यू हमारा कितना आ गई, 19 आ गई यहाँ की वैल्यू। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ एक बार, इसके वैल्यू कितना आ गई, 19 आ गई। अब चलिए नीचे वाले की वैल्यू को हम फाइंड करना चाहते हैं कि नीचे वाले की वैल्यू भी आ जाए। 3 × 1 कितना होता है, 2 × 1 कितना होता है 3/2, मैं ऊपर लिखता हूँ 3/2 * और 3 × 2 = 5/3 माइनस 6 × 2 = 12 = 13/2। यहाँ से 3 3 खत्म, 5/2, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5/2 माइनस 13/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 8 5 13, यानी कि 8/2, यानी कि 4। तो नीचे में क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस वाला वैल्यू बड़ा है, तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो नीचे में आएगा माइनस में 4। अब चलिए यहाँ पर हम इसको पूरा के सोल्व करेंगे, क्योंकि हमारा शॉर्ट में यह बन गया। ऊपर है 19/ नीचे में -4, भागा है तो गुना में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/7 × 2। अब 19 × 2 = कितना होता है 38 होता है, और 27, एक बार मैं कटा देता हूँ, 7 × 2 = कितना, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, तो 19/2 कितना हो जाएगा, 19/14 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/5/14, माइनस लग जाएगा क्योंकि ये माइनस में, 1/5/14 जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, और मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।